शैलजा पांडे, आज मैं बताऊंगी आपको एक्ने के बारे में। एक्ने बल्गारिस, जिसको हम कॉमन भाषा में मुहासे कहते हैं, पिंपल्स कहते हैं। तो ये दिक्कतें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं लड़कियों को, पुरुषों को, और बच्चों को भी होने लगी हैं। जो कि 13 साल या 12 साल के बच्चे हैं उनको भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजह है, और इसको कैसे हम बचा जा सकता है इससे, और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैं बताती हूँ कि एक्ने बल्गैरिस जो होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, हमारी जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं उससे संबंधित होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारी ग्लैंड्स होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड, जो कि हमारी त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। तो वो जो होती हैं, जब हमारे बॉडी में, जब महिलाओं की शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे महीने के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उस टाइम पर वो सीबेसियस ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। तो उससे क्या होता है, तेल का जो सिक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसकी वजह से हमारी त्वचा, कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं मेरी त्वचा में हर समय तेल तेल रहता है, ऑयली स्किन है, तो उसकी वजह से ही रहती है। अब क्या होता है कि कॉस्मेटिक का यूज़ आजकल लड़कियां जो है कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। जैसे 13-14 साल या 12 साल या 15 साल की लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ कर लेती, क्रीम पाउडर। तो उसकी वजह से ये एक्ने की दिक्कतें जो है बढ़ने लग गई हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पोर्स होते हैं, हमारी जो स्किन है उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, तो जो सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो उसी के थ्रू बाहर आता है। मगर हम जब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं, कोई क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो वो छेद जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो उसके बंद हो जाने की वजह से, मगर जो ग्लैंड्स हैं वो तो अपना सिक्रीशन कर ही रही हैं, तो वो बाहर नहीं आ पाता है। जब बाहर नहीं आ पाता तो वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होने लगता है और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। जैसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे दाने निकल आते हैं। किसी किसी के लाल दाने, पीले दाने, सफ़ेद दाने, बड़े बड़े दाने, छोटे छोटे दाने, किसी किसी के बहुत दर्द वाले दाने होते हैं, कई कई लोगों की गांठें जैसी बनने लगती हैं। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार के दाने चेहरे में हो जाते हैं। ये चेहरे के अलावा गर्दन में, पीठ में, छाती में, कंधों में, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं मुहासे। अभी किशोरावस्था में या जो वयस्क एज में आ जाते हैं, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब किशोरावस्था में एंटर करती है लड़कियां या लड़के, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी मुहासे होने की दिक्कतें हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि जब, अब इसके कारण क्या होते हैं। इसके कारण एक तो ये हुआ, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करना। दूसरी बात, तला होना, जो आजकल खाना हम खाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। धूल मिट्टी के टच से हो सकता है। जैसे हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारा धूल डस्ट जम जाती है, फिर हम अपने चेहरे को साफ़ नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी दाने होने की दिक्कत रहती है। जैसे कॉफ़ी और चाय जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनको हो जाता है। जो लड़के अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, उनको ये एक्ने की दिक्कत ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि जो लोग जैसे चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको भी होती है। दूसरी बात, जो अधिक मात्रा में जैसे ये बर्गर, पिज़्ज़ा, जो जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं आजकल, तो उनको भी एक्ने की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस मैंने बताया था, उसकी वजह से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी एक्ने होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में तेल उत्पादन, कभी कभी क्या होता है, कई लोगों में ऐसा होता है सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा तेल त्वचा से निकलता है, तो उसकी वजह से भी दाने होने लग जाते हैं। क्योंकि त्वचा में हर समय चिकनाई रहती है, तो उसकी वजह से, ऑयलीपन होने की वजह से दाने निकलने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुहासे। अब मुहासे अलग अलग टाइप के होते हैं। कई मुहासे जो होते हैं दर्द वाले होते हैं, कई लोगों के मुहासे दर्द के बिना वाले होते हैं। तो उनके नाम होते हैं, जैसे टाइप्स में फर्स्ट है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाले मुहासे होते हैं वो नॉन इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार की सूजन या दर्द इस टाइप का नहीं होता है। और जो होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लामेटरी, मतलब जो पेनफुल होते हैं, उनमें लाल हो जाता है, दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो होते हैं पैप्यूल्स, पोस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट। तो इसके अलग अलग ये प्रकार होते हैं। अब ब्लैक हेड्स क्या होते हैं, ब्लैक हेड्स क्या होता है, हमें जो मृत त्वचा कोशिकाएँ होती हैं वो भर जाती हैं हमारे छेदों में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो दाने निकलने लगते हैं उसको हम कहते हैं ब्लैक हेड्स। वहाँ पर क्या होता है, काला काला एक पदार्थ जैसा दिखाई देता है, काले काले धब्बे जैसे दिखते हैं और कील जैसी निकलती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक हेड्स। दूसरा है वाइट हेड्स। वाइट हेड्स भी इसी वजह से होता है कि जो सीवम होता है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जो मैंने कहा ना तेल निकलता है उसको हम सीवम कहते हैं, तो सीवम बहुत सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो वो भर जाता है, और या फिर मृत त्वचा कोशिकाएँ भर जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी 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 सी जगह में वो फैल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइट हेड्स। अब होता है इन्फ्लामेटरी एक्ने। इन्फ्लामेटरी एक्ने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, लाल होते हैं, छूने में भी दर्द होता है, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, पैप्यूल्स होते हैं,
पैप्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आसपास की जो त्वचा होती है उसमें गुलाबी रंग की हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं पैप्यूल्स। फिर पोस्ट्यूल्स होते हैं, पोस्ट्यूल्स में क्या होता है, मवाद भर जाता है, पीले पीले दिखाई देते हैं। पोस्ट्यूल्स के जो दाने होते हैं पीले पीले होते हैं, उनमें मवाद भरा होता है और पेनफुल होते हैं, उनको कहते हैं पोस्ट्यूल। दूसरा होता है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होता है, वो हार्ड होते हैं, हार्ड ऐसे बाहर को निकलेंगे तो बहुत कड़े कड़े दिखाई देते हैं, दर्द भी होता है उसमें। और दूसरी बात, नोड्यूल्स कभी भी घरेलू उपचार से ठीक नहीं होते हैं, चाहे आप उसमें हल्दी लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, वो घरेलू उपचार से ठीक नहीं होते, वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ही उसके लिए लेना पड़ता है। फिर लास्ट है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, उसमें भी मवाद भर जाता है, ये सफ़ेद रंग के भी होते हैं, उसमें कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा भर जाता है, तो ये बड़े बड़े होते हैं और दर्दनाक होते हैं, तो उनको हम सिस्ट कहते हैं। अब मुहासे से बचने के क्या तरीके, पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, दिन में लगभग 4-5 बार अपना चेहरा खाली पानी से धोएं, ठंडे पानी से या गर्म पानी से, जिससे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप खाली पानी से 4-5 बार अपना चेहरा धोएं। रात को सोते समय हमेशा अपना चेहरा साफ़ करके सोएं, चाहे दिन में आपने कितनी भी क्रीम लगाई हो, चाहे कितना भी मेकअप किया हो या बाहर घूमे हो, रात को सोते समय अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ करके सोएं, और सोने से पहले धो लें या फिर कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लें, जैसी आपको सुविधा हो ऐसा करें। दूसरी बात क्या है, तला भुना बिल्कुल ना खाएं, तला भुना कम से कम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जंक फूड्स कम खाएं, अपनी त्वचा पे कम से कम फेशियल इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो लड़कियां कम एज की हैं, जैसे 13-14 साल की, उनको कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल स्किन होती है वो उनकी ख़राब हो जाती है, उसके बाद एक्ने होने की ज़्यादा दिक्कत होती है। 11-12 साल की लड़कियों में एक्ने की दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि एक्ने, मैंने कहा ना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, मतलब मुहासे जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम 11-12 या 13 साल, जब महिलाओं की या लड़कियों की मीनार की एज शुरू होती है, महीना शुरू होने की एज शुरू होती है, तो उस टाइम पर उनके मुहासे होने शुरू हो जाते हैं, तो इसका ये कारण होता है कम उम्र में मुहासे होने का। दूसरी बात यह है कि खान पान में नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज रोज़ करें, खुली हवा में टहलें, अपनी त्वचा को साफ़ सुथरा रखें, सुबह टहलने के लिए जाएं, उससे भी आपके एक्ने ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और अपनी चेहरे की सफाई रेगुलर रखें, कॉस्मेटिक का यूज़ ना करें, अपने बालों को यहाँ पे, जैसे आजकल यहाँ पे कटिंग कराते हैं, तो इन बालों को पीछे रखें, क्योंकि आप अगर यहाँ पे बाल पड़े रहेंगे तो आपके जो सीबम बाहर निकल रहा है, जो तेल हो रहा है, वो यहाँ बालों के ढके उनके से यहीं पे इकट्ठा होता रहता है। तो ज़्यादातर लोगों के देखा है मैंने, लड़कियों के यहाँ फोरहेड में बहुत दाने हो जाते हैं, क्योंकि वो हेयर्स की वजह से होते हैं, तो उनको वहाँ से हटा के अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ रखें, क्लीन रखें, जिससे कि त्वचा अच्छे से सांस ले सके, तो उससे आपके मुहासे होने की दिक्कत कम होगी। दूसरी बात, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। कई बार क्या होता है कि जब कई लड़कियों के या लड़कों के ऐसे मुहासे होते हैं कि पूरा चेहरा उनका कवर हो जाता है, तो उसके लिए उनको मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है, तो होम्योपैथी में मुहासों का बहुत अच्छा इलाज है। उसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे उनका ट्रीटमेंट परमानेंटली हो सकता है। वैसे तो केस टेकिंग लेके होम्योपैथी में अच्छे से अगर इलाज कराया जाए तो इसका परमानेंट इलाज हो सकता है। बाकी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इसको देने के लिए बहुत बढ़िया होती हैं, जैसे पल्सेडिला, नेट्रम्यू, कैल्क्रिया फॉस होगी, पल्सेटिला होगी, नेट्रम्यू, साइलिशिया, सल्फर, ऐसी दवाइयाँ मुहासों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिपरसल्फ ज़्यादा उन मुहासों में दवाई दी जाती है जिसमें पस भर जाता है, पेनफुल होते हैं, पीले पीले दाने होते हैं, उनमें ज़्यादातर हिपरसल्फ देते हैं। हिपरसल्फ का पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है, अगर वो दरवाजे से हवा भी आएगी तो उसको दिक्कत हो जाती है, तो इस टाइप से जिनको दिक्कत होती है उनको हिपरसल्फ देते हैं। और विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना या उससे पूछे बिना कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी भी दवाई को विदाउट फिजिशियन के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, केस टेकिंग के बाद जो होम्योपैथी में दवाई दी जाती है, सबसे बेस्ट रिजल्ट उसी का होता है। इसके अलावा जब हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, वो एक एज एलोपैथी ही हुआ कि हमने जब तक लिया तब तक ठीक है, और उसे बंद करते हैं तो दोबारा हो जाती है वो दिक्कत। इसलिए आप प्रॉपर केस टेकिंग लेके, फिजिशियन से एडवाइस लेके, तभी इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। और अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, आप मुझसे इलाज लेना चाहते हैं, या मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए अपने फ़ोन पर, और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।